इसके ऊपर चढ़ा दे, चेक करो। ये जो साइकिल है इसको मैं सेल करने वाला हूँ। सो आस्किंग प्राइस है, अरे भाई कंट्रोल में वो मुझे लगा अभी गया। ये क्या चीज है, तो ये लोग नया नया तरीका ढूंढते हैं अभी। ट्यूब बाहर आ गया, ये भाई जाने वाला है क्योंकि भाई इसका जो धागा है वो भी कट चुका है। स्वागत है आप सभी लोगों को मेरा आज का और एक न्यू वीडियो पर। सो अभी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, रितम बाहर ही खड़ा है। सो चलते हैं, मिलते हैं डायरेक्ट ब्लॉगिंग सेटअप पे। सो चलो। बाकी भाई इसका साइकिल हो गया है मॉड, देख सकते हो सामने पीछे का ब्रेक सही हो गया है। मतलब अभी ब्रेक सही नहीं हुआ है, बस केसिंग वगैरह सही लग गया है। अच्छा केसिंग लग गया है। बाकी भाई इसने लगा लिया है थोड़ा सा बड़ा फ्री व्हील, पहले से बड़ा था, बड़ा है फ्री व्हील। चलो मारो व्हीली देखते हैं। अभी सीट पे बैठ के आराम से व्हीली कर पाएगा, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस चाहिए। तो भाई लोग चेक करो, ये इस टाइप का आप लोग सर्कल व्हीली देखा है क्या, कमेंट में जरूर से बताना। सो थोड़ा सा इन जूतों में अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, देख सकते हो नया शूज है वो वाइट कलर का, जो कि भाई बहुत जल्दी गंदा होता है। जस्ट एक दिन मैंने पहना है, मैं थोड़ा सा गंदा हो गया है। इसके ऊपर चढ़ा दे, चेक करो व्हीली लंबा। इन शू में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाऊं तो अच्छी तरीके से व्हीली बजने वाला है। ये चेक करो, मैनुअल ट्राई करते हैं। अरे ब्रेक जोर से मार दिया मैनुअल के चक्कर में। देखो क्या हो रहा है, देखो जंप। स्टॉप ही ट्राई कर, स्टॉप ही। ए बॉय, अरे भाई कंट्रोल में सामने बच्चा के। हाँ घुसा ले उधर, चला जा उधर। अबे ब्रेक मारना आता है कि नहीं है वो, मुझे लगा अभी गया बट कंट्रोल कर लिया बंदा। अस्ते ये क्या चीज है, तो ये लोग नया नया तरीका ढूंढते हैं अभी, मतलब ऐसे साइकिल चलाने का। ये क्या है एरोडा, ये छबरी वाले हरकत। चेक करो व्हीली, स्लो स्लो लेके जाएंगे बट शायद से पीछे के चक्के में एयर प्रेशर कम है थोड़ा सा, ऐसा लग रहा है इसलिए भाई व्हीली इधर उधर भाग रहा है। मतलब तू ज़्यादा ही भाग रहा है। एक साथ 3 2 1 मैनुअल ड्राइव, थोड़ा सा स्किड हो गया। देखो सामने वाले स्किड। अरे सामने वाला स्किड मत कर भाई, कंट्रोल नहीं कर पाया। चेक मारो, अरे टर्निंग ले लिया बट बैलेंस बिगड़ गया। एम्बुलेंस को खरीदो, 108 नंबर को कॉल करो। अभी मैं बस डायल करके ही रख रहा हूँ। जंप। वो मेरा थोड़ा सा ऐसे, मतलब मैंने ज़्यादा पुश नहीं ले पाया। वो भाई स्लो रहा है। चेक करो, जंप करवाना है फ्लैट्स। अरे जिस दिन करे गिरेगा उस दिन मानेगा। रोड पे घिसेगा ना मारेंगे चपाटा। सो ये देखो ट्यूब बाहर आ गया, ये भाई जाने वाला है क्योंकि भाई इसका जो धागा है वो भी कट चुका है। और इधर देख सकते हो धागा निकल चुका है, पूरा टायर भाई ऐसे का वैसा होके रखा है। और बाकी भाई एक चीज अनाउंस करना है मुझे, ये जो साइकिल आप लोग देख रहे हो, तू साइड हो जा तेरे को नहीं। अरे मेरे को बेच दे। सो ये जो साइकिल है इसको मैं सेल करने वाला हूँ। सो आस्किंग प्राइस है 12,000।
अरे इतना ज़्यादा मतलब ये ऐसे डिस्टर्ब करता है ना, तो इसका सेलिंग प्राइस है 12,000 रुपये, आस्किंग है। थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो जाएगा, जो भी इंटरेस्टेड हो वही कमेंट कर देना या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, सो वहाँ से वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों का। थोड़ा सा बस नेगोशिएशन हो जाएगा, ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि भाई साइकिल पे क्या क्या लगाया मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दूंगा इस वीडियो पे ही। ये नया शॉकर है जो कि भाई कुछ दिन पहले ही आया है, मतलब ऐसे, और इससे ये साइकिल अभी भी वारंटी पे है। आप लोग अभी भी शायद से 1 ईयर तक इसका फ्रेम के ऊपर वारंटी ले सकते हो। अगर कोई ख़रीदता है तो अगर फ्रेम कहीं से भी क्रैक होता है तो भाई ये पूरा फ्रेम नया आ जाएगा। और मेन चीज़ है, साइकिल है एलॉय का, पूरा पूरा साइकिल जो है एलॉय का है। सो आप लोग सोचोगे कि बहुत ज़्यादा भारी है, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्का साइकिल है। और सिमानो का गियर और सिमानो का गियर्स तो है ही, वो तो अलग बात है, वो तो है ही। सो ये है हारकुलेस टॉप गियर A29XR1। सो ये है कुछ साइकिल। बाकी भाई जो भी इंटरेस्टेड हो, मतलब सीरियसली इंटरेस्टेड हो, वो लोग ही बस ऐसे कांटेक्ट करना। उस दिन भाई मैनुअल हो रहा था, बट अभी दिक्कत यही हो गया है, प्रैक्टिस छूट गया है। स्पीड पे होती है, और बाकी भाई जब भी चक्का रुक रहा है भाई बैलेंस बिगड़ रहा है, वही सीन है।